वो तमाम लोग जो डेली बेसिस के ऊपर गाड़ियां चलाते हैं, उन लोगों ने अपनी जिंदगी में एक नहीं बल्कि मल्टीपल ट्रैफिक जैम्स का सामना तो किया होगा। पाकिस्तान में जो ट्रैफिक जैम्स होते हैं, अमूमन इनका ड्यूरेशन या इनका दुरानिया कई घंटों के ऊपर मोहित होता है, इनकेस अगर सिचुएशन काफी ज्यादा गड़बड़ कर जाए। अब जितनी ज्यादा ट्रैफिक होगी, उतना ही ज्यादा बड़ा ट्रैफिक जैम क्रिएट होगा। साल 2015 में चाइना में बीजिंग की नेशनल हाईवे के ऊपर एक ट्रैफिक जैम अकर करता है। ये इतना बड़ा ट्रैफिक जैम था कि 50 लेन वाली नेशनल हाईवे को इस ट्रैफिक जैम ने मुकम्मल तौर पर चौक कर दिया था। लाखों गाड़ियां एक दूसरे के आगे पीछे आन कर फंस गईं। इसके अलावा अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो अमेरिका, जर्मनी, ब्राजील और दुनिया के कई दूसरे ऐसे ममालिक हैं जहां पर बड़े बड़े ट्रैफिक जैम्स को रिपोर्ट किया गया है। कुछ ट्रैफिक जैम्स को क्लियर करने में घंटों लग जाते हैं, कुछ में कुछ दिन लग जाते हैं और कभी कभार किसी ट्रैफिक जैम को क्लियर करने में महीने भी लग जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में मैं जिस ट्रैफिक जैम के बारे में बताने लगा हूँ, इसे ट्रैफिक जैम को क्लियर करने में घंटे नहीं, दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीने नहीं, बल्कि 8 सालों का अरसा लगा। इसी वजह से इस ट्रैफिक जैम को दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे वर्स्ट ट्रैफिक जैम भी कंसिडर किया जाता है। अब इस ट्रैफिक जैम में हुआ क्या था, यही आज की इस वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। सो टिक कर बैठिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कम्प्लीट जरूर देखिएगा ताकि कोई भी हैरत अंगेज किस्म की मालूमात आप मिस न कर सको। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रैफिक जैम अकर कहाँ किया। इस ट्रैफिक जैम की लोकेशन थी स्वेज कैनाल। जी हाँ, इजिप्ट यानी के मिस्र में मौजूद वही स्वेज कैनाल जिसे शिपिंग और ट्रेडिंग का जेवर कंसीडर किया जाता है, न्यूक्लियस कंसीडर किया जाता है। स्वेज कैनाल वजूद में आई 1869 में। इस कैनाल के बनने से पहले यूरोप और एशिया के दरमियान जितनी भी समुद्री तिजारत हुआ करती थी वो एक इंतहाई लंबे रूट के थ्रू हुआ करती थी, जो कि अफ्रीका के भी परली तरफ के पानियों से होता हुआ एक रास्ता था। ये समुद्री सफर कई महीनों के ऊपर मुहित हुआ करता था। स्विस कैनाल बनी तो यूरोप को डायरेक्ट एशिया की एक्सेस मिल गई थ्रू मेडिटेरेनियन सी। समुद्री जहाजों का ये तिजारती सफर शॉर्ट होकर, श्रिंक होकर महीनों से दिनों के ऊपर आ गया। हर कार्गो शिप स्विस कैनाल की वजह से 10,000 किलोमीटर का सफर सेव कर लेती है। अब दिन था 5 जून 1967, यानी के 5th June 1967। स्विस कैनाल की वो साइड जो के मेडिटेरेनियन सी की तरफ जाकर खुलती है, वहां से 15 कार्गो शिप्स स्विस कैनाल की तरफ एंटर करती हैं। आमतौर पर किसी भी कार्गो शिप या किसी भी समुद्री जहाज को स्विस कैनाल में से ट्रेवल करते हुए अपनी दूसरी साइड यानी कि अपनी मंजिल तक पहुंचने में 12 घंटों का सफर लगता है। लेकिन कौन जानता था कि 12 घंटों का यह समुद्री सफर अनगिनत समुद्री जहाजों के लिए 8 सालों पर मुहित एक समुद्री सफर बनने वाला है। ये वो टाइम था दोस्तों कि जब इजिप्ट यानी कि मिस्र और इसराइल के दरमियान काफी ज्यादा कशीदगी भी चल रही थी। दोनों पड़ोसी ममालिक एक दूसरे के खिलाफ जंग का ऐलान भी करने ही वाले थे। अब दोस्तों, मामला यह है कि इजिप्ट और इसराइल का बॉर्डर स्विस कैनाल से 200 किलोमीटर दूर है। स्विस कैनाल से इजिप्ट इसराइल के बॉर्डर तक जितना भी एरिया बनता है उसे कहा जाता है सिनाई पेनिनसुला। अब कशीदगी थी स्विस कैनाल से 200 किलोमीटर दूर, तो जितनी भी कार्गो शिप्स स्विस कैनाल के थ्रू ट्रेवल कर रही थी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि बॉर्डर के ऊपर इसराइल और इजिप्ट के दरमियान गर्मा गर्मी जो चल रही है वो किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है। अब इन सब की किस्मत खराब कि जिस दिन ये 15 कार्गो शिप स्विस कैनाल में एंटर करती हैं, उसी दिन इसराइल की तरफ से इजिप्ट के ऊपर इसराइली तैयारों की तरफ से बम्बारमेंट भी शुरू हो जाती है। इस लड़ाई का नतीजा ये निकला कि कई रॉकेट्स और कई तैयारे तबाह होकर स्विस कैनाल के आगे पीछे आकर गिरना शुरू हो गए। जब हालात इतने कशीदा हो गए तो इजिप्शियन हुकूमत ने स्विस कैनाल को दोनों अतराफ से यानी के दोनों एंड से
मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। अगले 6 दिनों तक ये लड़ाई चलती रही और इन 6 दिनों में इसराइली फोर्सेज ने सिनाई पेनिनसुला के सारे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। अब इजिप्ट और इसराइल के बीच में एक नया बॉर्डर बन चुका था और ये बॉर्डर स्विस कैनाल इटसेल्फ थी। इसराइली फोर्सेज स्विस कैनाल को भी अबूर करके इजिप्ट के बाकी इलाकों की तरफ आना चाहते थे और इजिप्शियन फोर्सेज ने इस हमले को रोकने के लिए क्या किया कि उन्होंने स्विस कैनाल के दोनों एंड्स को बंद कर दिया, स्विस कैनाल पर मौजूद तमाम ब्रिजेस को, तमाम पुलों को तबाह कर दिया, स्विस कैनाल के दोनों एंड्स के ऊपर किश्तियां खड़ी कर दी और स्विस कैनाल के बीच में बेतहाशा अनगिनत नंबर ऑफ माइंस बिछा दी। वो 15 कार्गो शिप्स जो के स्विस कैनाल में दाखिल हुई थी वो बिटर लेक के इलाके में बुरे तरीके से फंस गई। उनकी एक साइड की तरफ इजिप्शियन फोर्सेस थी तो दूसरी साइड के ऊपर इसराइली फोर्सेस। इन 15 कार्गो शिप्स के अलावा मेडिटेरेनियन सी, रेड सी में कई 100 समुद्री जहाज भी बीच में ही लटक गए। ये तमाम समुद्री जहाज अब उस वक्त का इंतजार करने लगे जब इसराइल और इजिप्ट के बीच में मामला तय पाए, दोनों मुल्कों के दरमियान सुलह हो जाए और जंग बंद हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल और मिस्र के दरमियान हालात मजीद कशीदा होते चले गए। कई महीने गुजर गए और इन दोनों ममालिक के बीच में जंग जूं की तूं जारी रही। इस जंग की वजह से समुद्री तिजारत में जो डिले आया उसका नुकसान पूरी दुनिया की तिजारती मंडियों ने उठाया। सामान की डिलीवरी डिले हो गई तो ऑटोमेटिकली फ्राइट चार्जेस ज्यादा हो गए, बल्कि कई गुना बढ़ गए। अब ये जितनी भी शिप्स बीच समुन्द्र में लटकी पड़ी थी, इन तमाम शिप्स में क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे। इन शिप्स में अमेरिकन, पोलिश, जर्मन, फ्रेंच और दुनिया के कई दूसरे ममालिक की शिप्स मौजूद थीं। कुछ शिप्स ने तो दोबारा से अफ्रीका वाले रूट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शिपमेंट कंपनीज ने जब ये देखा कि इसराइल और इजिप्ट के दरमियान जो लड़ाई चल रही है वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, तो इन कंपनीज ने शिप्स के ऊपर मौजूद तमाम क्रू मेंबर्स को वापस अपने वतनों की तरफ बुला लिया। हर समुद्री जहाज के ऊपर सिर्फ 10 लोगों को रहने दिया गया जो के जहाज की मेंटेनेंस वगैरह के लिए जहाज के ऊपर ही मौजूद रहे। 10 बंदों का ये क्रू भी हर 2 से 3 महीने बाद चेंज कर दिया जाता। अब ये तमाम लोग जो कि इतना अरसा इस जगह के ऊपर मौजूद रहे, इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ दोस्तियां भी बना ली और अपनी ये नई सी एक्टिविटीज भी इजाद कर ली। जैसे कि जर्मन शिप के ऊपर इन तमाम लोगों ने एक चर्च बना लिया और हर संडे के संडे ये सारा क्रू तमाम शिप्स का इस चर्च पहुंच जाता इबादत करने। पोलैंड की शिप के ऊपर एक्टिविटी रखी गई हर रात को मूवी नाइट की। हर शिप के क्रू मेंबर हर रात पोलिश जहाज के ऊपर पहुंच जाते और तमाम लोग मिलकर फिल्म देखते। स्वीडन से आने वाली शिप के ऊपर पूल पार्टीज का इनेकाद किया जाता, जबकि यूके की एक शिप के ऊपर रेगुलरली फुटबॉल खेला जाता। इन लोगों के ऊपर एक टाइम तो ऐसा भी आया कि जब समुद्र के बीचों बीच इन तमाम क्रू मेंबर्स ने आपस में ही ओलंपिक गेम्स का भी इनेकाद कर लिया। वक्त गुजरता रहा और इन शिप्स को समुद्र में खड़े हुए कई साल गुजर गए। इतना अरसा गुजरने की वजह से इन शिप्स के ऊपर मिट्टी की तहें जम गईं। फिर इसी दौरान 6 साल का अरसा गुजरा और इजिप्ट और इसराइल के दरमियान जंग में मजीद शिद्दत आ गई। इजिप्ट ने एक भरपूर किस्म का हमला किया इसराइल के ऊपर और इस हमले में इसराइली फोर्सेज के पांव उखड़ गए। इजिप्ट की आर्मी ने सिनाई पेनिनसुला में काफी अंदर तक के इलाके को दोबारा से अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन इस दफा हुआ ये कि एक इसराइली रॉकेट गलती से फायर हुआ और वो समुन्द्र में खड़ी हुई एक कार्गो शिप को जाकर लगा। ये कार्गो शिप बिलोंग करती थी अमेरिका से। रॉकेट लगने की वजह से ये कार्गो शिप मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गई और समुन्द्र में डूब गई। ये एक एक्सीडेंट ही था दोस्तों, क्योंकि ये तमाम कार्गो शिप्स न्यूट्रल थीं। ये इस लड़ाई में ना तो इसराइल की साइड ले रही थी और ना ही इजिप्ट की। इसी वजह से दोनों ममालिक की फोर्सेज ने इनमें से किसी एक कार्गो शिप के ऊपर कभी भी हमला नहीं किया था, बल्कि इस कार्गो शिप की तरफ जाने वाले तमाम तर खाने पीने के सामान को फौरन से कार्गो शिप्स तक पहुंचाने में ना तो इसराइल को कोई एतराज था और ना ही इजिप्ट को। इस दूसरे हमले के बाद बिल आखिर इसराइल और इजिप्ट के बीच में सीज फायर का मुआहिदा तय पा गया। 6 साल की लड़ाई बिल आखिर आकर खत्म हो ही गई। इजिप्ट हुकूमत को मजीद 2 साल लगे स्विस कैनाल की सफाई करने में, क्योंकि जंग की वजह से स्विस कैनाल में रॉकेट, मिसाइल्स, तैयारे, शिप,
और कहीं दूसरा तबाहशुदा मलबा भारी अक्सरियत में मौजूद था। इसके अलावा इजिप्ट हुकूमत की तरफ से स्वेज कैनाल में जो माइंस बिछाई गई थी वो अलग से पानी में मौजूद थी। सो इन तमाम चीजों की सफाई करने में इजिप्ट की हुकूमत को मजीद 2 साल का अरसा लग गया और बिल आखिर 8 सालों के वक्फे के बाद स्वेज कैनाल को दोबारा से खोल दिया गया। बिटर लेक में फंसे हुए 14 कार्गो शिप्स दोबारा से अपनी मंजिलों की तरफ ट्रेवल करने लग पड़े। ये बहरी जहाज जब अपने अपने मुल्क में वापस पहुंचे तो इन तमाम ममालिक में इन बहरी जहाजों का इंतहाई शानदार तरीके से इस्तकबाल किया गया। दूसरी तरफ जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो इसराइल और इजिप्ट के ताल्लुकात में बेहतरी आती चली गई। फिर एक टाइम आया जब इसराइल ने सिनाई पेनिनसुला का सारा इलाका इजिप्ट को वापस कर दिया और ऑन द अदर हैंड इजिप्ट अरब दुनिया का वो पहला मुसलमान मुल्क बना जिसने इसराइल की रियासत को तस्लीम कर लिया। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की।